कि आप सबको पता है कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो बलूचिस्तानी हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, और यहाँ पे इस टाइम मौजूद हूँ मैं शेख जायद हॉस्पिटल के पास। यहाँ पे इनका बोर्ड आवेज़ा है, मज़ीद हम अंदर जाएंगे देखेंगे कि क्या इकदाम हुए हैं। यहाँ पे कोरोना वायरस आइसोलेशन फैसिलिटी के हवाले से बोर्ड्स आवेज़ा हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सके। यहाँ पे मुख्तलिफ बोर्ड हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने लगाए हैं, मज़ीद हम आगे जाएंगे। अंदर आइसोलेशन सेंटर कायम किया गया था, हम उसके विज़िट के लिए आए हैं। यहाँ पे आप लोग देख लें दो पेशेंट्स के नाम। उसका इंतज़ाम पूरी डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी अवेयरनेस कंपेन, सोशल मीडिया, लीफलेट्स, अब इसको भी कोई पैसे कमाने का जरिया ना बना ले, मुझे डर यही है ये भी बन जाएगा। ये आपको करना होगा, क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है और उसके पास रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा सिस्टम हो कि खुदा ना खास्ता ये जो, क्योंकि इसके सारे सिम्टम्स जो हैं, अब एक और बड़ी सबसे तकलीफदेह बात यह कि इसके सिम्टम्स जुकाम से मिलते जुलते हैं। ये कांसी है, सांस की तकलीफ है, इसमें कोरोना करप्शन पे बात हो रही है, बिल्कुल कोरोना करप्शन पे बात हो रही है जनाबे वाला। इसके बाद जनाबे वाला आपके पास दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूरे बलोचिस्तान के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके, आप लोग तशरीफ रखे। दोमर साहब तशरीफ रखे। जनाबे वाला मैं बलोच साहब मुख्तसर कर दें ताकि हकीकत से हकायक से वाकिफ नहीं होंगे, हम अपने मसाइल का इदराक नहीं कर पाएंगे। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने गया, मैं रात को सिविल हॉस्पिटल बीएमसी बलोचिस्तान के, ऐसे समझो हेल्थ केयर की माँ है, मदर ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स जिनको कहते हैं बलोचिस्तान के, जो मैंने यहाँ शायद मैं यहाँ पे किसी और से बात करूँगा, स्टाफ दीगर मौजूद होंगे। नाजरीन यहाँ पे देख लें, सीढ़ियों के साथ ही ऊपर ये वार्ड बनाया गया है, हम आपको ये विज़िट कराते हैं। नाजरीन ये वो मरीज़ है जो लाए गए हैं, कहाँ से नाजरीन? ये हमारे दोस्त है, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। ये बाहर से लाए गए हैं, इतियाल हमने आपको दिखाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब से हमने बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से मना किया। ये एक सवालिया निशान है, वो चीज़ें स्टैंडर्डाइज नहीं मिल रही जो इसके लिए ज़रूरत थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से हमने बात करना चाहा, लेकिन वो शायद मसरूफ़ थे, हमें उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने हमसे इस सिलसिले में इस हवाले से उन्होंने हमसे बात नहीं की।